हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे एक तो संगठक कॉलेज, एक तो संबद्ध कॉलेज और दूसरी बात जो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज है जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म 2023-24 का फिल होंगे। यूजी और पीजी के दोनों के लिए हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे आपके लिए सबसे पहले कॉलेज एडमिशन फॉर्म 2023 के बारे में बात करेंगे। हमारा जो रिजल्ट है 12th क्लास का और आरपीएससी का लगभग सभी का आ चुका है। 25 तारीख के लगभग सभी का आ चुका था। 25 तारीख को कॉमर्स का आ गया, आर्ट्स का आ गया था, इससे पहले साइंस का भी रिजल्ट आ गया था। अब हमारे फोरम कब स्टार्ट होगी इसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक बात बता देता हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कॉलेज के फोरम है वो अलग अलग तरीके से फील किए जाते हैं। गवर्नमेंट और इन दोनों के लिए भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है संगठक कॉलेज राजस्थान के अंदर। क्या एक तो संगठक कॉलेज कौन कौन सी है? संगठक कॉलेज और एक क्या होती है? संबद्ध कॉलेज। एक होती है संगठक कॉलेज, एक होती है संबद्ध कॉलेज। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है वो तो किसके अंदर आती है? उसके अंदर तो कितनी है? संगठक कॉलेज है। और कितनी संगठक कॉलेज है? 4 कॉलेज है। मैंने पहले भी बताया था कि कितनी कॉलेज है संगठक, किस प्रकार से इसमें एडमिशन होता है, पूरी प्रोसेस संगठक कॉलेज के लिए बताया था। अब संगठक कॉलेज है वो कौन कौन सी है? एक तो है राजस्थान महाराजा कॉलेज, एक है महाराजा कॉलेज, दूसरी है महारानी कॉलेज और तीसरी है राजस्थान कॉलेज। राजस्थान और चौथी है कॉमर्स कॉलेज। ये जो चारों कॉलेज है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है उसके अंडर आती है, इसलिए इसकी जो प्रोसेस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी खुद अपने अकॉर्डिंग करवाती है। अपने कैंपस के अकॉर्डिंग इन चारों में फॉर्म फिल करवाया जाता है। अपने अकॉर्डिंग से कट ऑफ जाती है। कैंपस के लिए हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर टॉप कॉलेजों में आती है। अब संबद्ध कॉलेज कौन सी होती है? संबद्ध कॉलेज प्रदेश की सभी जो कॉलेज है इन चारों कॉलेजों को छोड़ के वो कॉलेज जो गवर्नमेंट के अधीन है जिसमें फीस नहीं लगती है। जैसे पीडीसीएसए का यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी कटरातल कॉलेज है, एसके कॉलेज है और सबलपुरा कॉलेज, 2-3 कॉलेज है वो आती है कोटपुतली के अंदर है। और जितनी बाकी सभी यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है, अब यहाँ चौमूवी कॉलेज है जयपुर के अंदर और भी जो कॉलेज है उसके अंडर आती है। किसके अंडर आती है? ओनली जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो अपना एडमिशन खुद नहीं करवाती है भी, वो सभी कॉलेज किसके अंदर आती है? संबद्ध कॉलेज के अंदर आती है, यानी कि प्रदेश की समस्त गवर्नमेंट कॉलेज। ये सभी की सभी कॉलेज इसमें आती है, संबद्ध कॉलेज में आती है और संगठक कॉलेज में ये आती है। इनका सबका प्रोसेस अलग होता है, अब बात करते हैं हम फोरम की कि फोरम कब फील होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम बात कर रहे हैं अभी कि फोरम कब फील होंगे। तो इनके जो संगठक कॉलेज के जो फोरम है वो अभी आने वाले लगभग आपको जून मिड तक मिल जाएंगे। संगठक कॉलेज के जो फोरम है जून मिड तक आपको फोरम मिल जाएंगे और जो संबद्ध कॉलेज है प्रदेश की संबद्ध कॉलेज उसके फोरम भी स्टार्ट होने वाले लगभग जून के सेकेंड वीक तक आपको या फर्स्ट वीक में इसके क्या मिल जाएंगे आपके फोरम, इसके भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोनों फोरम अगर एक साथ स्टार्ट होते हैं, दोनों की जो कट ऑफ है वो भी क्या जाती है? अलग अलग जाती है। इसकी कट ऑफ अलग जाएगी, इसकी कट ऑफ अलग जाएगी। पहले तो अगर आपकी कट ऑफ परसेंटेज अच्छी है 12th क्लास में तो आप क्या करोगे, इन चारों कॉलेजों के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे। अगर आपको डाउट रहता है कि क्या पता इसकी कट ऑफ ज्यादा चली जाए, हमारा नंबर नहीं आया, तो आप अपने स्थानीय जहां आप कॉलेज लेना चाहते हो स्थानीय स्थान पर मिल जाएगी या फिर कहीं दूर जहां भी आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके लिए जो फॉर्म फिल होगा वो संबद्ध कॉलेज का होगा, उसका फॉर्म भी आप क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। जब आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर आप वेटिंग लिस्ट वालों को भी फॉर्म फिल जमा करवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स और उनको भी,
अगर आपका यहाँ नंबर आता है तो आप यहाँ चूज कर लेना, और यहाँ नंबर आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ एडमिशन ले सकते हो। दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हो, दोनों की अलग अलग फीस लगेगी। इसमें भी आप डबल फॉर्म फिल कर सकते हो, जैसे एक ने सिकर के लिए अप्लाई कर दिया, दूसरा सिकॉर्टी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया, दोनों यूनिवर्सिटियों के लिए अलग अलग अप्लाई कर दिया, दोनों कॉलेज की जो कट ऑफ है वो भी अलग अलग जाएगी। जिसमें अगर आपका नंबर आता है उस कॉलेज से आप क्या कर सकते हो, यूजी डिग्री कर सकते हो। यह जो फॉरम के लिए बात कर रहा हूं ये बीए बीएससी और बीकॉम के लिए है। अब बात करते हैं पीजी डिग्री के फॉरम, पीजी डिग्री के फॉरम जब ये प्रोसेस कंप्लीट लगभग फॉरम स्टार्ट हो जाएंगे इनके, तब हमारी पीजी डिग्री के फॉरम स्टार्ट होगी। तब किसके होंगे, हमारी पीजी डिग्री के फॉरम स्टार्ट होंगे। ये इसके फॉरम की बात होगी। अब बात करते हैं, ये तो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के फॉरम कब फिल होंगे। प्राइवेट कॉलेज के फॉरम तो आप तब तक फिल कर सकते हो जब तक एग्जाम फॉरम हमारे क्या हो सकते हैं, स्टार्ट होते हैं। तब तक प्राइवेट कॉलेज के फॉरम कब तक फिल कर सकते हो, जब हमारे क्या हो, लास्ट जो एग्जाम फॉरम स्टार्ट होते हैं ना, मेन अगर एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम फॉरम ही क्या है हमारे लिए, प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन का जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, एग्जाम फॉरम ही हमारे लिए है। एग्जाम फॉरम ने फिल कर दिया प्राइवेट कॉलेज से, वही हमारा प्राइवेट के लिए एडमिशन माना जाता है। ये राजस्थान के अंदर ऐसा ही चल रहा है। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो हमें पूछ सकते हैं। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।